आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका देश के नंबर वन सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ताजा हेडलाइंस लेकर हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से। दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरों में आपको देश और राज्यों की सभी बड़ी खबरें बताई जाएंगी जो कि आप ही के काम की एवं फायदे की हैं। तो दोस्तों दरअसल आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीवी पर लाइव आकर कर दिया है ये बड़ी घोषणा। देश में बंद कर दी हैं ये 8 चीजें, देशवासियों को लगा है बड़ा झटका। जी हां भाइयों और बहनों, देश में ये 8 चीजें बंद हो चुकी हैं, इसके बाद अब अपने भविष्य में कभी भी नहीं कर पाएंगे अपने दैनिक जीवन में इन 8 चीजों का इस्तेमाल। दोस्तों ये सभी चीजें अपने दैनिक जीवन में आज से पहले आप इस्तेमाल करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन आज रात के बाद से अब नहीं कर पाएंगे कभी भी इनका इस्तेमाल। तो दोस्तों कौन कौन सी चीजें ये बंद करी गई हैं इसकी आपको संपूर्ण जानकारी। और इसी बीच पीएम किसान योजना को लेकर आया है बड़ा अपडेट। पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए की धनराशि इस दिन सरकार डालेगी आपके बैंक खाते में, मोदी सरकार ने दी है जानकारी। दरअसल दोस्तों पीएम किसान योजना का इंतजार अगर आप भी कर रहे हैं, 2000 रुपए लेने के इंतजार में हैं, तो मोदी सरकार इस दिन डालने वाली है पैसा। तो दोस्तों किस दिन पैसा आएगा, इसी महीने आएगा या फिर अगले महीने आएगा, इसको लेकर संपूर्ण जानकारी। इसी के साथ व्हाट्सएप चलाते हैं तो अब आपका व्हाट्सएप होगा बंद। व्हाट्सएप कंपनी ने दिया है बड़ा झटका, इतने लाख लोगों के जल्द बंद हो जाएंगे व्हाट्सएप अकाउंट। दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप पर एक दूसरे से बातें करते हैं, तो अब आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप जल्द ही बंद करने जा रहा है देश में 24 लाख से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी, किन किन लोगों का व्हाट्सएप अकाउंट बंद होगा। इसी के साथ आम जनता को लगा एक और बड़ा झटका, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दिया है 13.5 रुपए तक का टैक्स। जी हां दोस्तों, अब आपका पेट्रोल और डीजल अगर आप भी अपनी गाड़ियों में भरवा रहे हैं तो एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि डीजल हो जाएगा महंगा। सरकार ने बढ़ा दिया है डीजल पर प्रति लीटर 13.5 रुपए तक टैक्स। कहां कहां पर बढ़ाया गया है इसकी आपको एक एक करके जानने को मिलेगी पूरी जानकारी। इसी के साथ अगर आपके भी घर में कोई बेटी है बिटिया है तो अब आपको मिलने जा रहे हैं 15,000 रुपए। इस सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। भाइयों और बहनों, अगर आपके भी घर में कोई बेटी है, कोई बिटिया है, पुत्री है, तो अब आपको 15,000 रुपए कैसे मिलेंगे, इसके लेकर एक बड़ी जानकारी आई है। करवा लीजिए ये छोटा सा काम, आप भी बन सकते हैं पात्र, मिलेगा लाभ। इसी के साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आई है। दरअसल नवरात्रि के मौके पर होंडा कंपनी का एक खास ऑफर, स्कूटर और बाइक खरीदने पर मिल रहा है 5,000 रुपए तक का छूट, उठा लें इसका फायदा। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आई है, घर बैठे अब कराएं रजिस्ट्रेशन, मिलेगा बिजली बिल में छूट, 100% बिजली का बिल हो जाएगा माफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी घरों में पिछले एक साल का बिजली का बिल बकाया है तो अब बिजली का बिल आपका भी माफ हो सकता है। घर बैठे ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन, 100% यानी कि 0 हो जाएगा आपका बिजली का बिल, नहीं देना होगा पिछले एक साल का एक भी रुपए का बिजली का बिल, इसकी आपको पूरी जानकारी। और इसी बीच अब घर बैठे ही बनवा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जान लीजिए क्या है आसान तरीका। तो दोस्तों अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं दो पहिया चार पहिया, लाइसेंस नहीं बना है तो संभल जाइए, नहीं तो अब कटेगा भारी भरकम चालान, साथ में हो सकती है 6 साल तक की जेल। तो दोस्तों कौन सा ये जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बनवाने का तरीका है, इसकी आपको देंगे संपूर्ण जानकारी। और वहीं इसी के साथ अंडे खाने वालों को अब बेहद बड़ी खुशखबरी, जल्द सस्ते हो सकते हैं अंडे, 1,000 रुपए तक गिरेंगे दाम। जी हाँ दोस्तों, आजकल अगर आप अंडे ज्यादा सेवन करते हैं, अंडे खा रहे हैं, तो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जल्द सस्ते हो सकते हैं अंडे। इसी के साथ अब इस कार्ड के बनवाने पर मिल रहा है 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त में ये वाली सुविधा, घर बैठे बनवाएं ये कार्ड, सरकार ने घर घर बनाने की प्रक्रिया कर दी है शुरू। तो दोस्तों अगर आप भी अपना ये कार्ड बनवा लेते हैं तो 5,00,000 रुपए तक का यहां पर सुविधा आपको मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, लेकिन सबसे पहले बनवाना होगा यह कार्ड। तो दोस्तों कौन सा यह कार्ड है इसकी आपको बताएंगे पूरी जानकारी। साथ ही में नए महीने की शुरुआत से ही कुल 21 दिनों तक बंद होने जा रहे हैं देश के सभी बैंक, देख लें छुट्टियों
कर्मियों की पूरी लिस्ट, 21 दिनों तक बैंकों में नहीं होगा कोई भी काम और काज। दोस्तों, अगर आप भी अपना काम काज बैंकों से निपटाने जाने वाले हैं, पैसे जमा करने जाने वाले हैं, निकालने जाने वाले हैं, तो 21 दिनों तक बैंक रहेंगे बंद। देख लीजिए किस किस दिन बैंकों में रहेगी छुट्टी। जारी हो चुकी है RBI के द्वारा पूरी लिस्ट। तो दोस्तों, इन सभी खबरों की आपको बताएं पूरी जानकारियां, निवेदन करेंगे, उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को अवश्य दबाएं और साथ में बेल की घंटी को दोबारा ना भूलें। तो भाइयों और बहनों, आज की बेहद ही बड़ी खबर। दरअसल RBI ने एक बड़ा कदम उठाया है, बेहद बड़ी फैसला लिया गया है। इस बैंक का लाइसेंस कर दिया गया है रद्द। जमाकर्ताओं को अब नहीं मिलेंगे पैसे, जाएंगे डूब। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने गुरुवार को पर्याप्त पूंजी की कमी का हवाला देते हुए एक बैंक का लाइसेंस और कर दिया है रद्द। यानी कि दोस्तों, RBI इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो अब ये बैंक हो जाएगा बंद। आपका भी है इसमें पैसा तो वो जाएगा डूब। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र का एक बैंक है, द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, जिसका RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसमें अगर आपके पैसे जमा है तो आप संभल जाएं, आपका भी पैसा जाएगा डूब। केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे वापस। अगर आपके हैं इससे ज्यादा जमा तो जाएंगे सभी पैसे डूब। और वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए सरकार दे रही है बड़ा मौका। जी हाँ, ये कंपोस्ट यूनिट लगाने पर मिलेगा 10 लाख रुपए तक का फायदा। सरकार दे रही है लाभ। दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं तो किसानों के लिए सुनहरा मौका आया है। अगर आप भी कंपोस्ट यूनिट लगाना जानते हैं तो अब सरकार आपको देगी 10 लाख रुपए। दरअसल दोस्तों, किसानों को मशरूम कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए मोदी सरकार यानी कि देश की केंद्र सरकार दे रही है अधिकतम 20 लाख रुपए और ले सकते हैं न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का लाभ। दोस्तों, अगर आप किसान हैं और अगर आप छोटी मोटी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हैं, आपके पास में खाली जमीन पड़ी है, आपका खेत पड़ा है, तो वहां पर कंपोस्ट यूनिट लगाने पर सरकार देगी 10 लाख रुपए तक का अनुदान। फटाफट से उठा लें इसका फायदा। इसी के साथ इस माह एक साथ 3 महीने का बटेगा राशन। अगस्त का देना होगा पैसा, इस बार नहीं मिलेगा फ्री। दोस्तों, अगर आप भी गरीब हैं तो बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि देश की केंद्र सरकार या फिर कहें देश की कई अन्य राज्य सरकारें हैं जो कि अब फ्री में मिलने वाले राशन को करने जा रही है बंद। इसी बीच दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है। दरअसल अगला महीना यानी अक्टूबर महीना जो आने वाला है, इस महीने अब आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 2 महीनों का मिलेगा एक साथ राशन। कुल मिला के आपको 3 महीने यानी एक अगला महीना और पिछले 2 महीनों का राशन मिलाकर दिया जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर इस बार पैसे भी देने होंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फ्री में मिलने वाली राशन को कर दिया गया है बंद। लेकिन दोस्तों, अब आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल और 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा आपको गेहूं। और वहीं अगली बड़ी खबर, देशवासियों को लगा झटका। मोदी सरकार ने एक बार फिर से डीजल पर बढ़ा दिया है 13.5 रुपये तक टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आम जनता को एक और झटका लगा है। दरअसल सरकार ने डीजल पर लगने वाले टैक्स का बढ़ा दिया है। डीजल पर लगने वाला टैक्स प्रति लीटर 13.5 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद सरकार ने डीजल पर अप्रत्याशित लाभ कर को बढ़ाकर 13.5 रुपये यानी 13.50 रुपये कर दिया है। हालांकि दोस्तों, ये जो टैक्स है ये यहाँ पर डीजल की कीमतों पर लागू किया गया है। जो टैक्स यहाँ पर बाहर निर्वात किया जाता है, जो फ्यूल निर्वात किया जाता है यानी कि आपका जो पेट्रोल डीजल है जो बाहर जाता है भारत से, उस पर ये टैक्स लागू किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर पेट्रोल या फिर डीजल भारत में महंगा नहीं किया गया है, मोदी सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। इसी के साथ देशवासियों को लगेगा एक और झटका। व्हाट्सएप ने भारत में बैन कर दिए 24 लाख से ज़्यादा लोगों के अकाउंट। जी हाँ, अगर आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि दरअसल दोस्तों, भारत में व्हाट्सएप 24 लाख लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट करने जा रहा है बंद। दरअसल दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपको मालूम होगा कि व्हाट्सएप पर कुछ लोग जो है धोखाधड़ी का काम करते हैं या फिर कुछ ऐसा काम होता है जो कि लोगों को गुमराह करते हैं। तो अब ऐसे लोगों का व्हाट्सएप अकाउंट हो जाएगा बंद। जल्द ही व्हाट्सएप लेने जा रहा है बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, व्हाट्सएप जो है 24 लाख लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर देगा, जिसके बाद में आपका भी यहां पर बंद हो सकता है। अगर आप भी कोई ऐसा काम करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, तो अब आपका भी हो जाएगा काम तमाम। जल्द ही व्हाट्सएप कंपनी उठाने जा रही है बड़ा कदम। और वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर, किसानों के लिए अब बड़ा अपडेट आया है। PM किसान योजना में इस दिन जारी होने जा रहे हैं 12वीं किस्त के 2000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जल्द ही यहाँ पर PM किसान योजना के 2000 रुपये जारी करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, PM किसान योजना की इस बार किस्त जो है वो डिले हो रही है, लेट हो रही है। लेकिन अच्छी खबर आई है कि जल्द ही देश के करोड़ों किसानों के लिए मोदी सरकार देने जा रही है बड़ी खुशखबरी। इसी महीने देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपये किए जाएंगे ट्रांसफर।
यानी किसानों को मिल जाएगा इस योजना का लाभ। मोदी सरकार देने जा रही है 12वीं किस्त के 2,000 रुपये। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो ये ख्याल रखें इस नियम का, अन्यथा कटेगा चालान, साथ में होगी 6 साल तक की जेल। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपका अभी तक नहीं बना है तो अब संभल जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर कई लोगों के कट रहे हैं चालान। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस अब घर बैठे भी आप बनवा सकते हैं। जान लीजिए ये क्या है पूरा इसका आसान सा तरीका। आज हम आप सभी लोग घर बैठे कई ऐसी ऑनलाइन सेवाओं का आनंद ले रहे हैं, ऐसे में अब आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। इसे बनवाने की बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें आपको खासा ख्याल रखना होगा कि अगर आपने कहीं से ड्राइविंग सीखी है तो वहां का लगाना होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सर्टिफिकेट, तभी आपका दोस्तों ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, वरना आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। घर बैठे जाकर देना होगा RTO ऑफिस में टेस्ट। तो दोस्तों, यहां पर अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस, जहां से भी आप बनवाना चाहते हैं, आपने ड्राइविंग जहाँ से सीखी है वहाँ का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहद बड़ी खुशखबरी अंडे खाने वालों के लिए आई है, बेहद बड़ी खबर। जल्द ही सस्ता हो जाएगा अंडे का दाम, गिरने जा रहे हैं रेट। दरअसल दोस्तों, आजकल यहाँ पर कई लोग जो हैं शौकीन हैं अंडा खाने के, ऐसे में खबर आई है कि अंडे के दामों में बड़ी गिरावट आने वाली है। दोस्तों, आजकल मुर्गी का अंडा अखबारों की सुर्खियाँ बना है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि जल्द ही अंडा जो है यहाँ पर सस्ता होने वाला है, क्योंकि दोस्तों खबर ही आ रही है कि जल्द ही जैसे जैसे ठंडियाँ नज़दीक आएंगी वैसे वैसे अंडे के दामों में होनी शुरू हो जाएगी गिरावट। यानी कि दोस्तों, अंडा जो है ये सस्ता होने लगेगा और ठंडियों में कुल मिलाकर यहाँ पर अंडे के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब आपका भी बिजली का बिल होगा माफ, घर बैठे कराएं ऐसे रजिस्ट्रेशन, 100% तक मिलेगी बिल्कुल मुफ्त में बिजली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना बिजली का बिल माफ करवाना चाहते हैं तो पिछले 1 साल तक का बिजली का बिल आपका माफ हो सकता है, लेकिन आपको घर बैठे ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तभी मिलेगा इस योजना का फायदा। दरअसल दोस्तों, दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अक्टूबर से दिल्ली वासियों को पावर सब्सिडी के जरिए अब मिलेगी मुफ्त में बिजली। जी हाँ, अगर आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, तो अब आपको 200 यूनिट तक का बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा बिजली। यानी कि अब आपको 100% मुफ्त में बिजली सरकार दे रही है, और अगर आप दिल्ली के हैं तो ही मिलेगा ये लाभ। इसे लेने के लिए आपको सब्सिडी योजना में सबसे पहले आवेदन करना होगा, तभी आप इस सब्सिडी योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त में बिजली का आनंद ले सकते हैं, अन्यथा देना होगा पैसा। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहद बड़ी खबर आई है, नवरात्रि के मौके पर घर ले आए होंडा का नया स्कूटर बाइक, 5,000 रुपये तक मिल रही है बम्पर छूट। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी यहां पर दो पहिया गाड़ी खरीदना चाहते हैं, स्कूटी खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई दो पहिया बाइक खरीदना चाहते हैं, तो 5,000 रुपये तक नवरात्रि के मौके पर मिल रहा है बम्पर ऑफर। दरअसल दोस्तों, आगामी त्यौहार को देखते हुए कई कंपनियाँ हैं जो कि अपने अपने दो पहिया गाड़ी हो गई, स्कूटी हो गई, इनको सस्ता कर चुकी हैं, तो अगर आप भी खरीदते हैं तो अब आपको 5,000 रुपये तक का कई गाड़ियों पर, स्कूटीज पर मिलने वाली है बम्पर छूट। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दरअसल दोस्तों, बेटियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आई है, बेटियों को मिल रहा है बेहद ही इस बड़ी योजना का लाभ, मिलेंगे 15,000 रुपये। अगर आपके भी घर में कोई बिटिया है, बेटी है, पुत्री है आपकी, तो अब आप भी फटाफट से बनवा लें यह कार्ड, मिलेगा 15,000 रुपये का लाभ। दोस्तों, देश की माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से बेटियों के लिए 1,70,77,000 रुपये की धनराशि दी गई है, जिसमें अगर आपकी भी कोई बिटिया है तो कन्या सुमंगला योजना के तहत आप भी उसका रजिस्ट्रेशन यदि करवा लेते हैं तो सरकार उसको भी देने वाली है 15,000 रुपये। बेटी के पढ़ाई से लेकर शादी तक का भी खर्च सरकार कन्या सुमंगला योजना के तहत उठाएगी, लेकिन उसका पहले आपको करवाना होगा पंजीकरण, करवाना होगा आवेदन।